सुबह सुबह मैंने मंदिर साफ और रीजन सबको पता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। तो आज दिन की शुरुआत करते हैं बीटरूट के जूस के साथ। सुबह सुबह कुछ ना कुछ हेल्दी लेना चाहिए, तो मैंने बनाया था बीटरूट का जूस, तो भी एंजॉय करते हैं इसको। सुबह सुबह मैंने मंदिर साफ कर लिया, बड़ा अच्छा लग रहा है आज। अभी करेंगे पूजा और भगवान करे भगवान जी सब पे अपनी अच्छी जो है कृपा दृष्टि बना के रखे। वीडियो बना रही है क्या? नहीं तो क्या? आज आप कितने बजे खाओगे? 9 बजे तक। नहीं काम करो, बेडिंग प्लीज लेके जाओ, फिर 10 बजे ना सुबह जल्दी पहुंचना होगा। एज यूजुअल खड़े खड़े कोई ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। सो अभी वो ऑफिस चले गया, मैं शुरू कर रही हूँ अपनी एडिटिंग। मुझे लगा एडिटिंग शुरू करते हैं, बट चश्मे तो बड़े इंपॉर्टेंट है एडिटिंग के लिए, क्योंकि बिना चश्मों के तो एडिटिंग करना नेक्स्ट टाइम पॉसिबल है। पहले इसको साफ करती हूँ। और मैं अभी आपसे शेयर करूँ कि मैंने एक और प्रोडक्ट मंगाया था, मोस्टली टैप्स अगर दिखे ना पानी के निशान रह जाते हैं उसके ऊपर। आई थिंक यहाँ पे गुड़गांव में तो पानी काफ़ी हार्ड वाटर है, तो काफ़ी ज़्यादा स्टेन्स रह जाते हैं। तो मैंने उसके लिए कुछ प्रोडक्ट मंगाया था और अभी यूज़ किया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने उसे एक्चुअली कल ऑर्डर किया था, तो कल मैंने यूज़ किया उसको, तो मुझे लगा काफ़ी अच्छा, तो आपसे शेयर करती हूँ उसके रिजल्ट्स। तो मेरा चश्मा लग चुका है, पहले करती एडिटिंग फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या ऑर्डर किया था। सच में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि जब टाइम पे आपकी वीडियो अपलोड हो जाए ना और आपको कोई टेंशन स्ट्रेस ना हो, फिर आपको लगता है कि आप पूरा दिन आप रिलैक्स कर सकते हो। अदरवाइज उनके आने वाला टाइम मुझे एडिटिंग करना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरा ये मानना है कि घर आके उनको भी अपना काम छोड़ के आना है ऑफिस, और मेरे को होता है कि मैं भी अपना काम उनके आने से पहले कंप्लीट कर लूँ, ताकि जब आए ना मेरे साथ आराम से टाइम स्पेंड करें, बातें करें। क्योंकि उस टाइम अगर आप अपना ही काम करते हो फिर बात कब करोगे? तो मैं तो रिलैक्स हूँ, मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं आज के दिन के लिए फ्री हो चुकी हूँ। अब टाइम पे काम फिनिश किया तो खुद तो ट्रीट बनती है ना, तो मैं अभी खा रही हूँ फ्रेश फूड। और मुझे लग रहा है पता नहीं कितनी देर के बाद मुझे इतना अच्छा फूड मिल रहा है, वरना नॉर्मली जो फूड्स मैं लेके आती हूँ ना, या वो उसमें आई थिंक केमिकल्स से उसको क्या राइट किया जाता है क्या, अभी उसमें वो टेस्ट नहीं होता। बट अभी मैंने टेस्ट किया, बहुत ही टेस्टी, तो मैं इन्जॉय करती हूँ अपना फूड। और उसके बाद दिखाऊंगी आपको जो प्रोडक्ट की मैं बात कर रही थी फॉर किचन बाथरूम या किचन में जो सिंक होती है या तो जो आपकी टैप्स है उसके लिए, फिर आपको दिखाती हूँ मैंने क्या ऑर्डर किया। जिस चीज़ का खाने का मन कर रहा है ना वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी लग रहा है। तो मैं एंजॉय कर रही हूँ अपना फूड। और एक टाइम था मुझे फूड खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बट अब मुझे लगता है दवाइयाँ खाने से बेटर है फूड खा लो, इसलिए मैं दवाई समझ के खाती हूँ, बट मैं खाती ज़रूर हूँ। वैसे ये दवाई नहीं तो बहुत टेस्टी लग रहा है मुझे। मेरा फूड हो चुका है खत्म। आपको लग रहा होगा इसने फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियो किया, बट सच में मैंने बहुत जल्दी जल्दी खाया है, क्योंकि फूड बहुत ही टेस्टी था और मज़ा आ गया। और इससे ज़्यादा तो नहीं खा सकती, मेरा पेट बिल्कुल फुल हो गया। और अब मैं सोच रही हूँ कि मैंने टाइम से पहले सब कुछ खत्म कर लिया तो कुछ मूवी देखे जाए, तो सोच रही हूँ मूवी देख लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ। मैं पहले डिसाइड करती हूँ कौन सी मूवी देखी, फिर आपको दिखाती हूँ मैं क्या देख रही हूँ। मैंने डिसाइड किया था मैं मिसेज चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे देखूँगी, बट मुझे नहीं पता क्या हो रहा है अभी, शायद इसमें कोई सॉफ्टवेयर अपडेट की ज़रूरत है, मूवी में देख नहीं पा रही इसमें ये आ रहा है। तो आई थिंक इसमें मुझे ना अपडेट करना पड़ेगा मैकबुक को। तो फाइनली मैंने मूवी देख ली है मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, मुझे काफ़ी अच्छी मूवी लगी है, एटलीस्ट वन टाइम वॉच तो डेफिनेटली है। और मुझे अपडेट नहीं करना पड़ा, मैंने इसको शट डाउन करके ऑन किया और ये चलने शुरू हो गया। तो फाइनली मुझे मूवी काफ़ी अच्छी लगी। और कभी कभी आपको अकेले में ऐसी मूवीज अच्छी लगती हैं, क्योंकि वो तो बॉलीवुड मूवीज़ देखते नहीं है, तो मैं जो भी मूवी देख लेती हूँ मैं घर पर आराम से देख लेती हूँ। तो ये है वो प्रोडक्ट जो मैंने ऑर्डर किया था। अब भाई मेरे पास तो कोई ऑनलाइन प्रमोशंस आने वाले रही ब्रांड्स की, मैंने यूज़ किया है मुझे अच्छा लगा इसीलिए मैं आपको इससे शेयर करी। मुझे लगा कि जिन लोगों को चाहिए कि बाथरूम में जो स्टेन्स आ जाते हैं ना, ये किचन में सिंक में जो स्टेन्स आते हैं, अगर आप इसको यूज़ करोगे चले जाएंगे। अब देख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जो सारा टैप्स है ना ये काफ़ी ज़्यादा उनकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैंने सोचा पहले रेगुलर वॉश तो मैं कर रही थी बट कुछ इफेक्ट उसका आ नहीं रहा था, तो मैंने ऑनलाइन सर्च किया तो इसको ऑर्डर किया। इसको लगा के रखना है आपको कम से कम 15 से 20 मिनट, आधा घंटा इसको ऐसे छोड़ दो स्प्रे करने के बाद, और आधे उसके आधे घंटे के बाद इसको ना किसी ब्रश से अच्छे से आप जेंटली इसको स्क्रब करो, हाथ से मत करना क्योंकि इसमें मे भी कुछ एसिड होगा, हाथ जल सकता है। आप देख सकते हो कि एक ही वॉश इसके ऑलमोस्ट स्टेन्स ना काफ़ी हद तक निकल चुके हैं, थोड़ा शाइन आ गई, पहले इसमें शाइन थी ही नहीं।
तो आप सब भी इसको यूज कर सकते हो। होकर आ चुकी है और आज मैंने डिनर में बनवाया है पोहा और वर्मिसेली हलवा, तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसा बना है। ये वर्मिसेली हलवा, एक्चुअली मैं एक्स्ट्रा घी नहीं डलवाती हूँ, दूध में ज़्यादा बनवाती हूँ, वो ये है पोहा। तो अभी हम करेंगे डिनर, और डिनर करने के थोड़ी देर के बाद हम निकलेंगे वॉक पे। अभी रात के 2 बज रहे हैं और मैं दिखा सकती हूँ कोई इंसान कितना फ्रेश है। और रीजन सबको पता ही है, मैच। तो अभी आधा घंटा मैच और चलेगा ना। रात को लेट जागने के नुकसान तो होते हैं भाई, क्योंकि सुबह उठा ही नहीं गया क्योंकि मैच काफ़ी लेट खत्म हुआ, उसके बाद नींद पूरी होते होते थोड़ा टाइम लग गया, तो वॉक का टाइम तो निकल गया। होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, कीप वॉचिंग माय वीडियोज़।